बुरी आदतों में नहीं पड़ा मैं, काम सारे नेक किए हैं। तुम्हें लगता है किस्मत से मिल गया है मुझे सब, मेरी जान दिन रात एक किए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप भी अपनी फोटो लगा कर बनाना चाहते हो इसी तरह के शेयर्स, तो आपको वीडियो को लाते देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा अपने शेयर्स लगाने में, जैसे कि जो भी मटेरियल होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट देखना है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन होगा उसको दबाकर अनोशन कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपको वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। तो ये आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसका काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपना काइन मास्टर आप ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देना होगा। जब प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने साइज आ जाएंगे, तो इसमें से आपको 9.16 वाला साइज सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये वाला साइज सेलेक्ट कर लें। साइज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मीडिया वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जब मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ना अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी जिसको आप शेयर्स में ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। तो ये फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली, इस फ़ोटो को हम एडजस्ट करेंगे। फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए हमें फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। जब फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो इसके फ़ोटो का लास्ट वाला पार्ट है, इस पर क्लिक करके इसकी लेंथ पहले बढ़ा लेते हैं हम 20 सेकेंड तक। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, स्टार्टिंग में आप जैसे रेड वाली लाइन फर्स्ट नंबर पर आइए, कैंची के साथ में फिलिप स्क्रीन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे फ़ोटो को उंगलियों से, दोनों उंगलियों से जूम कर लेंगे, यहाँ को फुल स्क्रीन कर लेंगे अपनी पिक को इस तरह से। तो यहाँ पे इक्वल का निशान दिया होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करना होगा आपको, ऊपर टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना होगा। जब लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक शेडो PNG दी जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है शेडो PNG, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी गैली से। आपको ये शेडो PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लगा सकते हो। यहाँ पे हम शेडो PNG लगा लेते हैं। तो जो शेडो की लास्ट वाला पार्ट है, इस पर क्लिक करके इसको हम लास्ट तक ले जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे टिक लगा लेंगे। फिर एक हम स्टार्टिंग में लेकर आएंगे इस तरह से, खिसका कर स्टार्टिंग में लेकर आने के बाद हम शेडो की PNG थोड़ा सा आगे लगाएंगे इस तरह से, फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ऊपर आपको क्या करना होगा, स्टेट से लगाने के लिए आपको लेयर वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना होगा। जब लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर आपको मीडिया वाला ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, तो मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यह शेयर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको जैसे कि व्हाट्सएप में डाउनलोड करते हो वैसे ही ये शेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत सारे फ्रेंड्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी बहुत कम फ्रेंड्स ज्वाइन हुए टेलीग्राम में, आप भी ज्वाइन कर लें जल्दी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आपको यहाँ पे शेयर्स एडजस्ट कर लेना होगा, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, शेयर्स पे क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टेटस पे क्लिक किया है, तो साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, आपको ऊपर ले जाना होगा इस तरह से। इस तरह से जाएंगे तो आपको नीचे आएगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर देना होगा। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन, तो स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ऊपर टिक लगा लेंगे, जो हमारे शेयर्स के जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। आप शेयर्स के लाइट से बड़ा करना चाहते हो, इस तरह से छोटा करना चाहते हो कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखेगी आप यहाँ पर एरो का निशान दिया होगा नीचे, इस पर क्लिक करके आप साइज़ स्क्रीन शेयर्स का साइज़ बड़ा भी कर सकते हो। इस तरह से मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, इतना रहने देता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद
आपको ऊपर टिक लगा देने होंगे। टिक लगाने के बाद अब क्या करना होगा, हम स्ट्रेट्स की लेंथ देख लेते हैं कितनी है हमारी। आप जैसे तो इतनी लेंथ है 13 सेकंड तक, तो हमारी पिक की लेंथ ज़्यादा है तो क्या है, पिक पे क्लिक कर देना होगा। फिर आपको कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। टेम टू राइट कर लेंगे तो ऊपर टिक लगा लेंगे। यहाँ पे शेडो पीएनजी का भी लेंथ ज़्यादा है तो कैंची पे क्लिक करके इसको टेम टू राइट कर लेंगे तो टिक लगा लेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, ट्रांजिशन लगाना होगा अपने शेड्स में। ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाना होगा, वहाँ पे आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देना होगा। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा स्प्लिट एड प्ले हेड, इस पर क्लिक कर देना होगा। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन लगाना होगा हमें, तो स्प्लिट एड प्ले हेड कर लेंगे। आप जहाँ पे ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं वहाँ पे रोक कर रखें, फिर स्प्लिट एड प्ले हेड कर लें तो यहाँ टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आइकन दिखाएंगे 1 2 3, तो प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ट्रांजिशन आ जाएंगे। ये मैंने जितने भी ट्रांजिशन डाउनलोड किए हैं, तो आपको डाउनलोड करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जब गेट मोड पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ट्रांजिशन आ जाएंगे, उसमें से आप कोई भी कर सकते हो डाउनलोड। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एशुलेशन वाला डाउनलोड कर लें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जब आप ढूंढोगे यहाँ पे गेट मोड पे क्लिक करके, तो ट्रांजिशन ये वाला मिल जाएगा जिसका नाम है एशुलेशन। तो ये ट्रांजिशन डाउनलोड कर लें, जहाँ पे आप कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे ये वाला लगा लिया, आप देख सकते हो इसकी टाइमिंग भी की रख सकते हैं स्लो फास्ट, आप देख सकते हो इस तरह से स्लो यहाँ पर रहने दें इस तरह से। फिर ऊपर टिक लगा लेंगे, टिक लगाने के बाद फिर सेकेंड नंबर वाले प्लस है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर जो है ट्रांजिशन में जाएंगे हम एशुलेशन वाले पे, यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं ये वाला कर लेते हैं जेस्चर, इसकी टाइमिंग 0.5 रख लेते हैं। तो ऊपर टिक लगा लेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन लगा लेंगे प्लस वाले पे क्लिक करके। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, फिर आपको ये वाला ट्रांजिशन लगा लेना होगा, यहाँ पे 0.5 कर लेते हैं, टिक लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे स्टेट्स का लेंथ ज़्यादा हो गया, तो फोटो की लेंथ कम होगी। फोटो की लेंथ भी हम इसके बराबर ही करेंगे। फोटो पे क्लिक करके इसको फोटो क्लास्ट पार्ट पे करके इसको जूम कर लेंगे, तो ऊपर टिक लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा शर्ट्स बनकर तैयार हो गया। तो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि सर से बड़ा हमारा शर्ट्स। बुरी आदतों में नहीं पड़ा मैं, काम सारे नेक किए हैं। तुम्हें लगता है किस्मत से मिल गया है मुझे सब, मेरी जान दिन रात देख किए हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लैश वाला इफेक्ट देना होगा, फ्लैश वाला वाइट फ्लैश वाला इफेक्ट कैसे देंगे हम, यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड बैकग्राउंड लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें, तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ पर एरो पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ पर ओवरले एनिमेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक करके इसको फ्लिकर कर लेंगे इस तरह। फ्लिकर करने के बाद ऊपर टिक लगा लेंगे। तो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से बना हमारे शर्ट्स। बुरी आदतों में नहीं पड़ा मैं, काम सारे नेक किए हैं। तुम्हें लगता है किस्मत से मिल गया है मुझे सब, मेरी जान दिन रात देख किए हैं। जो हमारा फ्लैश वाइट फ्लैश वाला इफेक्ट इसको कम है, इसको हम थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे इस तरह से। आप जैसे यहाँ पे तो ये हमारा पूरा शर्ट्स बनकर तैयार होगा। तो आपको गैली में सेव करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को इसको दबाकर अनुसरण कर लें। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो अभी तक आपने ये वाली वीडियोज़ नहीं देखी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस वीडियो को जरूर वॉच करें। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, लोगों पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।